जय हिंद दोस्तों। जैसा कि टॉपिक दिख रहा है मूलों की प्रकृति, अभी हम आपको क्वेश्चन करा रहे थे, दो वीडियो हमने कराई थी, टेक्निकल इशू की वजह से आपको कंटिन्यू वीडियो नहीं दे पाए, कंटिन्यू रहेंगी वीडियो। एक तो ये ध्यान रखें कि हमारी जो वीडियो हैं वो ज़्यादा ड्यूरेशन में नहीं है, और यदि आप कंटिन्यू वीडियो देखते हैं कोई भी क्वेश्चन स्किप करे बगैर, क्योंकि बीच बीच में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में जब हम कराते हैं तो बहुत बेसिक चीज़ों से कराते हैं, बेसिक चीज़ देते हैं, उसके बाद जो बीच में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अगर आप थोड़ी सी देखेंगे सोचेंगे कि समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें पता नहीं क्या बता रहे हैं, तो बेटा आगे तक आप नहीं कर पाएंगे, और अगर आगे तक नहीं कर पाएंगे तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। जैसा कि आपको दिख रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, हमारा ये क्वेश्चन दो नंबर का आएगा। अभी अभी जो मई में एग्ज़ाम हुआ था, मई में बोर्ड जो था 10th बोर्ड 5 मई को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और बहुत सिंपल था, दो नंबर का था। मूलों की प्रकृति होती क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वैसे हैंड टू हैंड जब भी दिखाते उससे बेस्ट है कि मैंने आपको लिख के दिखाया है यहाँ पे कि इसमें क्या चीज़ है। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। देखिए जो ये साइन होता है इसे बोलते हैं से बड़ा, ठीक है, से बड़ा, ठीक है, और ये जो साइन होता है इसे बोलते हैं से छोटा। मतलब तो जो भी टारगेट होता है, लाइक अगर मैंने कहा ए ग्रेटर देन बी, तो ए बी से बड़ा है, मैंने कहा बी ग्रेटर देन इज सॉरी लेस देन इज ए, तो यहाँ पे बात आएगी कि बी ए से छोटा है, मतलब जिसकी तरफ मुंह खुला रहेगा से बड़ा, वो उसका बड़ा हो जाएगा, दूसरी तरफ छोटा हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। तो अभी यहाँ पे जो आगे क्वेश्चन बता रहे हैं ग्रेटर देन और लेस देन, इसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले हमारी जो द्विघात समीकरण होती है, द्विघात समीकरण को हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी बराबर जीरो, और वेयर, मतलब कि जहाँ हम कह सकते हैं कि ए इक्वल नॉट इज जीरो, अगर ए इक्वल जीरो होगा तो हमारा वह द्विघात समीकरण नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो हमारी जो फॉर्म दी होगी वो इस फॉर्म में दी होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इनको हम कैसे करेंगे, हमारा विव्यक्तिकर होता है, विव्यक्तिकर को हम डी से डिनोटेड करते हैं, विव्यक्तिकर को हम डी से डिनोटेड करते हैं डी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अगर डी ग्रेटर देन इज जीरो, डी ग्रेटर देन, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, मतलब कब होंगे, जो x की वैल्यू है दोनों की डिफरेंट होगी, मतलब अलग अलग होगी, जो हम आपको बता रहे हैं कि मान लो सपोज कोई भी वो है तो दो अलग अलग मूल होंगे उनके, ठीक है, अगले में दो बराबर मूल होंगे। जब कब होगा, जब ये होगा d बराबर जीरो होगा, ये कब होगा अभी क्वेश्चन कराएंगे इस पर, ठीक है। कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, कब नहीं होता है, जब d की वैल्यू लेस देन हो, जब d की वैल्यू क्या हो आपकी लेस देन, मतलब क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि हमारे पास में d ग्रेटर देन इज जीरो, d लेस देन इज जीरो और d इक्वल टू जीरो, तो ये बातें आपसे कंफर्म करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन जो आपका पूछेगा वो किस प्रकार का आपसे पूछा जाएगा वो देखिएगा। जैसे सिंपल सी बात है, हमने क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे, पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में 5 बराबर 0, ये पहला क्वेश्चन है। अब इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको कि a बराबर में हमारे पास 2 है, b बराबर में हमारे पास माइनस 3 है और c बराबर में 5 है। अब आप कहोगे ये कैसे आया, बेटा अभी अभी जो हमने लिखा था वहाँ पे क्या लिखा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी बराबर जीरो, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है माइनस के साथ, और ये यहाँ पे सी की वैल्यू है, दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम आराम से लिख लेंगे, तो हमारे पास जो समीकरण बनेगी, हमारे पास जो इक्वेशन है वो है ये 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में 5 बराबर 0। तो हमने यहाँ से वैल्यू ली है कि a बराबर 2, b बराबर माइनस 3 और c बराबर 5। अब इसे कैसे कंफर्म करेंगे कि दो भिन्न वास्तविक मूल हैं होते हैं, या फिर कह रहा है बराबर मूल हैं या कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इसमें वैल्यू रखिए अब यहाँ पे d बराबर में, तो d बराबर हमारे पास b की वैल्यू क्या है, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 5 है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 3 9 माइनस में 4 2 8 5
40, 40 में से 9 जाएंगे तो डी की वैल्यू हमारे पास 31 आएगी, बट माइनस में आएगी पहली बात तो, ठीक है ना। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस में। जैसे ही हमारे पास वैल्यू माइनस में आएगी, जैसे ही वैल्यू आपको माइनस में दिखाई देगी, तो समझो कि यह है वैल्यू, मतलब कि क्या है, उसने बोला जीरो से छोटी है, जो माइनस 31 है ये जीरो से लेस देन है, तो हम क्या कहेंगे, डी लेस देन इज जीरो, जो डी की वैल्यू आई है जीरो से क्या आई है, छोटी। तो हमारा कौन सा पॉइंट लगेगा, हमारा कौन सा मूलों की प्रकृति लगेगी, कि कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। तो इसमें हम नीचे क्वेश्चन में लिखेंगे, कोई मूल वास्तविक नहीं है, कोई मूल हमारे पास में क्या है, वास्तविक नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई मूल वास्तविक नहीं है, सिंपल, बस दो नंबर का ये क्वेश्चन है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करोगे आप तो आराम से आपको दो नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार का। आप देखो, अभी अभी जो हमने करा वो करा कि कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। अगला टॉपिक लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x और प्लस में 4 = 0, ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन हमें दिखा रहा है कि भाई a बराबर 3 है, b बराबर 4√3 है और c बराबर में 4 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है। अब d बराबर में क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है, माइनस में 4 है, माइनस 4√3 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3 है और c की वैल्यू क्या है 4 है, राइट। अब हमारे पास इसे जब सॉल्व करेंगे तो 4 का, देखिए कोई भी है किसी चीज़ का स्क्वायर है, अगर √2 का स्क्वायर करेंगे हम तो हमारे पास आएगा √2 × √2, और जब खोलेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। जैसे 4√3 का दिया है, माइनस है, तो हम सॉल्व क्या करेंगे, −4 × −4, ठीक है, और गुणा में √3 × √3, इनको जोड़ेंगे, इनको गुणा करेंगे तो 4 × 16 होगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 16 कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ 48 आएगा। माइनस में इनकी गुणा करेंगे, देखो सेम प्रोडक्ट आ रहा है, 4 × 3 × 4, तो हमारे पास डिजिट सेम है जो इधर थी अभी बनी थी, भाई 4 आ गया, 4 × 4, तो 4 × 4 और 3 भी आ रहा है, तो 16 × 3 = 48, 48 48, अरे वाह, ये तो हमारे पास डी बराबर में कितना आ गया, 0। जैसे ही हमें पता चला कि d बराबर 0 है, तो हम इनकी मूलों की जो प्रकृति है वो कहाँ कन्फर्म करेंगे, हम मूलों की प्रकृति कन्फर्म करेंगे, दो बराबर मूल होते हैं, मतलब कि d बराबर जब 0 आएगा तो हम क्या आंसर देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 = मूल वास्तविक होते हैं, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि भाई 2 = मूल होते हैं, या दो वास्तविक मूल बराबर होते हैं, या दो बराबर मूल वास्तविक होते हैं, मतलब कहीं भी किसी तरह भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सिंपल लिख दो, 2 = मूल होते हैं, दैट्स इट, आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी प्रकार का हमने क्या है कि यहाँ पे कर चुके हैं, तो हम थर्ड ले लेते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा, बहुत सिमिलर है, ठीक है, बहुत सिंपल होगा, उसे भी लेते हैं इसी प्रकार से। देखिए, तो हम लेंगे यहाँ पे 2x² − 6x + 3 = 0, ठीक है, सेम चलेगा, a बराबर में 2, b बराबर −6, c बराबर 3, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सेम वैल्यू, d बराबर b² − 4ac, d बराबर b का वैल्यू −6² − 4 × 2 = 3, 6² = 36 होता है, −4 × 2 = 24 होते हैं, बराबर में अगर हम इसे काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, कितना आएगा 12। तो d ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा d ग्रेटर देन इज 0। तो हमारे पास मूलों की क्या प्रकृति होगी, दो, सिंपल सा है, ये वाला लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये वाली लाइन, बस इतना, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अब इसी में हमारा एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्या क्वेश्चन होगा वो ज़रा ध्यान से देख, देखिए जैसा कि आपको सवाल दिख रहा है, सवाल में क्या है, ये समीकरण लिखी रहेगी 2x² − 6x + 3 = 0, ये मैंने क्यों नहीं काटा है,
क्योंकि आपको इजी समझ में आ जाएगा। अभी हम इसका डी निकाल चुके हैं। वैसे हम एक बात करते हैं यहाँ पे कि अब हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र होता है बेटा एक्स बराबर में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, ये द्विघात सूत्र है। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है, अभी हमने यहाँ पे लिखा है कि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें द्विघात सूत्र से हल करो। देखो, मूलों का अस्तित्व कब होगा? जब d ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तब होगा। ठीक है, जब d इक्वल टू ज़ीरो होगा तब होगा, और जब d लेस देन ज़ीरो होगा तो हम बता चुके हैं कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, कोई मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ये बात आपको अभी मतलब बता रहे हैं। दोबारा रिपीट करते हैं, ग्रेटर देन होगा तब मूलों का अस्तित्व होगा, इक्वल होगा तब मूलों का अस्तित्व होगा, अगर डी लेस देन ज़ीरो होगा तो कोई भी उसका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ पे, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें द्विघात सूत्र से हल करो। तो द्विघात सूत्र से हल करने के लिए हमारे पास सिंपल सी बात है, पहले हम इसको इस तरह से करेंगे। जब d इक्वल टू यहाँ पे आएगा, d इक्वल टू 12 आएगा तो हम लिखेंगे d ग्रेटर देन ज़ीरो। हाँ, मूलों का अस्तित्व है। ये लिखने के बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा यहाँ पे? सिंपल फॉर्मूला लगेगा, बहुत ही सिंपल। ठीक है, जो हम यहाँ पे बना रहे हैं ये वाला नहीं, बस इसी का थोड़ा सा वर्जन। क्या हो जाएगा भाई? बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है? डी के बराबर होता है। तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन में 2a, बहुत सिंपल फार्मूला है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये फार्मूला है। तो इसी में आप लगा दीजिए एक्स बराबर माइनस बी की वैल्यू आप देखिए क्या है, -6, और प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? डी की वैल्यू देखिए यहाँ पे 12 अपॉन में 2, ए की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर में कितना हो जाएगा? 6 प्लस माइनस 12, 2 × 2 = 4। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए 12 है तो 12 के टुकड़े करते हैं, 2 × 2 = 4 = 12, कौन आएगा बाहर? 2√3। इस रूप में लिखेंगे इसे तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा? x बराबर में 6 प्लस माइनस 2√3/4, और जब आगे इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? x बराबर में 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास में क्या हो जाएगा यहाँ पे कि x बराबर में 6 प्लस माइनस 2√3/4 हो जाएगा। तो 2 हमारे पास कैसे आया? हमने इसको फैक्टराइजेशन करे, कैसे फैक्टराइजेशन करे थे? 2 × 2 × 3, तो 2 × 2 = 2 बार था, तो जोड़ा अंडर रूट से बाहर आ जाता है, 1 आएगा, सिंपल। तो जब इसे सॉल्व करेंगे इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, 2 × 3 = 6 प्लस माइनस √3/4। अब कैसे आ गया ये 2 बार? देखिए बेटा यहाँ पे जो 6 है, 6 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, तो 2 हमने बाहर ले लिया कॉमन, तो हमारे पास कितना बचेगा? 3 प्लस माइनस √3, तो 2 से काटो, 2 × 2 और 2 × 2 = 4, एक्स बराबर हमारे पास वैल्यू आएगी 3 प्लस माइनस √3/2, इसका आंसर होगा 3 प्लस √3/2, और दूसरा आंसर होगा एक्स बराबर में 3 माइनस √3/2। हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ हैं, यही हमारा आंसर है। और ये जो क्वेश्चन आएगा आपका 4 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एक नेक्स्ट टाइप और है, उसको कराते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 3 से 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको आप सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, 4 क्वेश्चन ये दिए हैं, और बाकी मैंने आपको अभी सॉल्व कराए हैं 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ही मैंने सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन आप दोनों विधि से करना। ठीक है, सबसे पहले आप मूलों की प्रकृति ज्ञात करोगे, उनका अस्तित्व ज्ञात करोगे, फिर आप इनका सॉल्यूशन किससे करोगे? द्विघात समीकरण के सूत्र द्वारा।
मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप कोई भी किताब मत उठाइए, कोई भी। अगर आपको मन करे तो आप अपनी एनसीईआरटी की बेस्ट बुक उठा लो, उनमें से सिमिलर क्वेश्चन इसके मिलेंगे। वैसे तो मैं आपको कम्प्लीटली एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी पुटअप लेके, मतलब कि वहाँ से लेके करा रहा हूँ, ठीक है। उन्हीं के बिहाफ पे इतना जितना भी इनका फॉर्मेट है वो वहीं से लिया गया है, ठीक है। जितना टोटल आपका पेपर आएगा वो भी एनसीईआरटी का आएगा, तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कहीं से भी प्रैक्टिस मत करो। बस एक विनती है आपसे कि जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इनको आप जितने अधिक, अगर ये चार क्वेश्चन दिए हैं तो इन चार एक क्वेश्चन को आप पाँच बार करिए, तो पांच बार करेंगे, पांच बार इसको, हर क्वेश्चन को पांच पांच छः छः सात सात आठ आठ बार करो, जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आ जाए। और आपके पास बेटा 24 घंटे में से कम 6 से 7 घंटे तो पढ़ने के लिए निकाल सकते हो। एक ही तो सब्जेक्ट है मैथ, उसको भी नहीं पढ़ सकते, आराम से पढ़ सकते हो अगर आप अच्छे से करते हो तो। रियलिटी में आप 23 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा उसमें जैसे ही आप बैठोगे, बैठने के तुरंत बाद जैसे ही खोलोगे पेपर, पहला क्वेश्चन आपका यही होगा, पहला क्वेश्चन इसी टाइप का होगा, या तो पहला होगा या चौथा होगा, गारंटी की बात है, पहला या चौथा क्वेश्चन आपको यही मिलेगा इनमें से, ठीक है। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट टाइप कराते हैं अभी, एक क्वेश्चन का आप रिवीजन करिए प्लीज़। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2x² प्लस में kx प्लस 3 बराबर 0 द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि 2 बराबर मूल हो। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, एक फॉर्मूला लगेगा। क्या सिंपल, पहले जब स्टार्ट करोगे, ठीक है ना, 2 बराबर मूल होते हैं यदि b² - 4ac बराबर 0। इसका मतलब ये होता है d बराबर 0, d की वैल्यू आपको पता है। तो सिंपल सी बात है, पहले क्या करेंगे कि भाई a बराबर 2 है, b बराबर आपका k है और c बराबर 3 है। सर कहाँ से आ गया? बेटा ये लिखा हुआ था 2x² प्लस में kx और प्लस में 3 बराबर 0। तो ये यहाँ पे a की वैल्यू है, ये यहाँ पे b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू होती है। पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला लगाएंगे कि भाई b² - 4ac बराबर 0। यही तो फॉर्मूला है, b की वैल्यू क्या है, के का स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है, 2, c की वैल्यू 3 बराबर 0। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर, तो k का स्क्वायर रहेगा 4 × 8 = 24 बराबर 0। फिर k² बराबर कितना हो जाएगा, 4, 24। ये उधर जाके, मतलब उधर जाके हमारा प्लस प्लस में क्यों होगा, क्योंकि आपको बताया था जब माइनस है और बराबर के इधर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और यदि इधर ये प्लस है तो बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये पहले ही क्लास में हम आपको पढ़ा चुके थे। अब हम क्या करेंगे भाई, के की वैल्यू चाहिए तो के बराबर प्लस माइनस √24। ये हमारा आंसर आ चुका है, मगर आपको आंसर ऐसा ना दिख रहा हो कहीं, या ऐसा ना हो, ऑप्शनल की बात है, अगर यहाँ पे छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 2 नंबर का आएगा, सिंपल है, बहुत सिंपल है, 2 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन, आप करके आएंगे, ठीक है। और यदि ये नहीं है तो अगर आपको और जैसे कि 24 है, आप यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है, यहीं पे आपको नंबर मिल जाएगा, टेंशन ना लो। एक और इसका रिपीटेशन क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है के एक्स एक्स माइनस 2 और आपका हो जाएगा प्लस में 6 बराबर 0। के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, एक बार ये और समझाते हैं, इसको ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। फिर 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे देंगे, आप ये कर लेना, बस लास्ट है, ठीक है। तो के एक्स इसके अंदर गुणा करेंगे तो के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2kx और प्लस में 6 बराबर 0, सेम वही ये वाली लाइन बिल्कुल लिखेंगे। अगर आपने ये वाली लाइन नहीं लिखी तो गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है बेटा, जब कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए। ये वाली लाइन यहाँ पे आएगी, ये लाइन आने के बाद फिर वही कि भाई a बराबर k, b बराबर -2k और c बराबर 6। यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे, यहाँ पे गलती करेंगे, यहाँ पे जैसे 2 ले लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 2k माइनस का वो भी और 6। अब b² - 4ac बराबर 0, b की वैल्यू आपके पास क्या है बताओ, -2k का स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू क्या है आपके पास में, k, a की वैल्यू k है आपके पास में, सॉरी, और c की वैल्यू क्या है आपके पास में, c की वैल्यू है 6 और बराबर 0।
दो दूनी चार के का स्क्वायर, दो दूनी चार के का स्क्वायर, माइनस में छः चौक चौबीस, चौबीस के बराबर ज़ीरो, चौबीस के बराबर ज़ीरो। अभी हम यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे चार है और जब चौबीस के टुकड़े करेंगे तो चार छिंक चौबीस, ठीक है। तो वहाँ से क्या आ जाएगा, चार के कॉमन ले लिया तो के माइनस में छः बराबर ज़ीरो। देखो बेटा यहाँ पे के लेंगे जब बाहर, ठीक है, तो चार के आएगा, माइनस चौबीस रहेगा, ठीक है, के तो गया, मगर अगर हम साथ के साथ चार ले लें तो चार भी गया और चार छिंग चौबीस, तो हमारे पास ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब हम इससे संतुष्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि चार के बराबर ज़ीरो होता है और के बराबर में ज़ीरो अपॉन फोर होता है, तो के बराबर ज़ीरो, ठीक है, और दूसरा के माइनस छः बराबर ज़ीरो और के बराबर छः, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। आप इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे बेटा, ये आपका दो नंबर का आएगा, द्विघात सूत्र वाला जो आएगा वो आपका चार नंबर का आएगा, मूलों की प्रकृति का वो आएगा दो नंबर का। और यदि आपसे कोई भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, यदि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिए एक बार हम कल एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें टोटली 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे हम, ओनली 10 क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन से एक तरफ आपके क्वेश्चंस लिखे रहेंगे, उन 10 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। यदि उन 10 क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर ली तो मैं गारंटी देता हूँ आपको, आपको कोई और क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये जो क्वेश्चंस करा रहे हैं, आप कहोगे कि भाई ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं क्यों करा रहे हो, 10 ही क्वेश्चन करा दो, बेटा आपका बेसिक बहुत कमज़ोर है, पहले अच्छे से इन वीडियो को प्रॉपर अच्छे से देखें, लास्ट में जो रिविजन क्लास होगी उनमें आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। तो तीन क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन करेंगे आप। पहला क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस में k बराबर 0, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है आपका 9x स्क्वायर प्लस में 3kx और प्लस में 4 बराबर 0, ये वाला क्वेश्चन कर लेना आप, ठीक है। kx स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में k बराबर 0, बेटा ये तीन क्वेश्चन है वो हमने आप यदि इन तीन क्वेश्चन को कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, अब दो क्वेश्चन वो करा दिए, तीन क्वेश्चन है गए, तो के का कहीं से भी आ जाना, किसी भी प्रकार से उठ के आ जाना, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। एक बार आपसे मैं वही अपील करूंगा जो बार बार कर रहा हूं कि बेटा आपकी कंपार्टमेंट आई हुई है और आप कमज़ोर बहुत हैं, आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आप अपना एक साल बचाना चाहते हो तो मात्र मात्र दिन कितने रह गए, आज है आपका 9 तारीख है, ठीक है, आई थिंक आप जो वीडियो देख रहे होगे तो ये 10 तारीख में देख रहे होगे, क्योंकि 10 ही को डाली जाएगी, अभी बनाई गई है ये, रात में बना रहे हैं इसको, ठीक है। तो 10 तारीख को है और आपका है 23 तारीख को पेपर, तो हम मात्र 12 दिन लेते हैं बेटा, 12 दिन, ओनली 12 दिन। अगर 12 दिन भी आप क्लास ले लेते हो, कंटिन्यू मैं वीडियो बना देता हूँ, तो मैं आपको रियलिटी में विश्वास कराता हूँ कि आप 100% पास हो जाएंगे, 100% पास हो जाएंगे, रियलिटी में, रियलिटी है ये, ठीक है। बट विश्वास तो करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने ऊपर, दूसरा मेरे ऊपर, सबसे पहले खुद पे करना, मेरे पे तो बाद में होगा, पहले खुद पे करो कि हाँ आप कर सकते हो, बिगर विश्वास के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कर पाओ, ठीक है। तो आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे होगे, तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, थैंक यू सो मच। मैं आपसे एक अपील करता हूँ कि आप यदि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती है या नहीं भी लगती है तो आप एक बार लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अच्छी नहीं लगती है कोई बात नहीं, कह देना सर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर भी वीडियो बनाऊंगा। कहीं ना कहीं किसी बच्चे को तो समझ में आ रहा होगा भाई, एक को नहीं आ रहा होगा, दो को नहीं आ रहा होगा, तीन को नहीं आ रहा होगा, कहीं ना कहीं अगर 10 बच्चे देख रहे हैं, एक बच्चे को समझ में आ रहा है, एक बच्चा भी पास हो गया, अच्छी बात है, कोई इशू नहीं। अरे भाई किसी का तो कुछ भला हो रहा है ना। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।